हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है, मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग हो रहे हैं 10:30। अभी जस्ट मैं नहाई हूँ, नहा के आई हूँ। पाउडर, ड्राई पाउडर, लिपस्टिक ये लगाई हूँ। कॉम में भी वैसे बाल ऐसे बिखरे पड़े, क्योंकि सारे बाल ना मेरे आगे से टूट गए हैं। ऐसे लगते हैं ना हमेशा टूटते रहते हैं। ये आज मैंने डाला है मंगलसूत्र। और पता है, मैं रेड वाली चूड़ी, किसी ने बोला था मेरे को रेड वाली चूड़ी डालने के लिए, दो तीन लोगों ने बोला था। बट मेरी रेड वाली चूड़ी ना ससुराल में है। मैं यहाँ पे आई थिंक ना तीन चार लेके आई थी, इसमें से दो फूट गया था, तो मैं लेके आऊंगी फिर मैं डालूंगी रेड चूड़ी। और नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि में तो रेड चूड़ी मैं डालूंगी ही डालूंगी। उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कुछ अलग सा बना के, जैसे गोल्डन चूड़िया वगैरह लगा के, उस टाइम में थोड़ी थोड़ी चूड़िया डालूंगी। अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आज मैं अभी थोड़ी देर नहाने से पहले एक्चुअली मैंने एप्पल खा ली थी। थोड़ा सा मेरे को लगा कि कुछ खा लेना चाहिए। कभी कभी फील होता है ना कि भूख लगी है, भूख लगी, तो उस टाइप से हो रहा था। और मैं यहाँ पे हमेशा इसलिए करती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, इसलिए ऐसे मैं करते रहती हूँ हमेशा। और मैं ब्रेड इस टाइम पे खाऊंगी आज। ब्रेड को थोड़ा सा सेक के देखती हूँ, किचन में जाती हूँ तो क्या करती हूँ, ब्रेड को किस तरीके से बना। फर्स्ट चला गया था 8:45, आज गया थोड़ा सा लेट, गया 15 मिनट लेट। मैं वेट करती रही करती रही, उसके बाद गया। उसके बाद मैंने एडिटिंग की अपनी वीडियो की। एडिटिंग करने में टाइम लग गया मेरे को, आज काफी लंबा वीडियो था। और आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे का ब्लॉग है ये। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, संडे वाला जो ब्लॉग था ना उसको मैंने पूरा नहीं किया था। तो परसों वाला ही ब्लॉग मैंने थोड़ा बहुत कल शूट किया था, नहीं तो कल मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी। आज मैं फिर से आज अच्छे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और चलिए, ट्यूसडे का ब्लॉग है। क्या क्या करती हूँ, क्या रूटीन है मेरी, क्या आज मेरी डेली रूटीन में क्या क्या जो भी चीजें करूंगी वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग से मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आते हैं ना मेरे चैनल पे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मैं जितने भी ब्लॉग्स अपलोड करूँ आप लोग तक मिल जाए, और मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। ऐसे स्पर्श के लिए ना मैं रोटी बनाई थी सुबह में, तो रोटी बनाई थी और ये बनाई थी मैं भिंडी की सब्जी। तो ये उसको मैंने ब्रेकफास्ट दिया था प्लस इनके ब्रेकफास्ट के लिए, बट आज मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है, तो ये मैं ब्रेड बना रही हूँ। यहाँ पे स्पर्श एप्पल खा के नहीं आया था, तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप इसको फिनिश करो पहले, उसके बाद में इसको किचन में ले जाऊँगी। एक्चुअली मैं जो लंच बॉक्स था वो मैं किचन में लेके जा रही थी, तो मैं चेक करती हूँ उसके पहले कि स्पर्श खाया है कि नहीं खाया है। तो आधा तो खा लिया था, आधा नहीं खाया है। तो यहाँ पे वो एप्पल भी खा रहा है, साथ में इसको ऊपर से मैं टी शर्ट नहीं, हल्का सा टी शर्ट है, मतलब हल्का है बहुत ही, और मैं उसी को डाल दे रही हूँ उसको। और ये लास्ट ईयर मैं इसको ली थी, काफ़ी सब छोटे हो रहे हैं, मैं चलो अभी पहन लेगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर किचन में, लंच वगैरह दाल मैं बना रही हूँ, दाल बन रहा है। और ये है सरसों, तो मुझे ना इसमें से थोड़ी सी, मैं एक दिन ग्राइंड करने जा रही, थोड़ी सी स्मेल स्मेल सी आ रही थी, मैं सोची इसको धूप में रख देती हूँ, तो मैं वही निकाल रही थी। और मैं अभी ना ढूंढ रही हूँ मूंग दाल, जो ग्रीन वाली मूंग दाल होती है, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मैं उसकी रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। तो मैं वही मूंग दाल ढूंढ रही हूँ, कि क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब बड़े बनाई थी ना मूंग दाल के, तो इसमें है चिप्स और मुझे इसमें एक स्पून दिख गया, तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ। क्योंकि एक डब्बा है उसमें स्पून, जो जो जीरा पाउडर रखी हूँ ना उसमें स्पून नहीं है, ये काले चने थे, तो उसको मैं निकाल दी हूँ कि मैं भिगोऊंगी शाम के लिए, थोड़ा सा बचा हुआ है काले चने। देन ये स्पाइस का, जैसे मैंने इसमें रखा है दाल एक पैकेट एक्स्ट्रा, पीडियाश्योर मैं निकाल रही हूँ, बहुत टाइम से रखा हुआ है, तो मैं निकाल दे रही हूँ, उसको डब्बे में डाल दूँगी, ऊपर रहेगा तो ख़त्म भी होगा, वरना ऐसे डब्बे में रखे रखे ना ख़राब हो जाता है और अंदर रहते हैं तो फिर याद भी नहीं आता है। सरसों निकालना था और मैं मूंग दाल भी ढूंढ रही हूँ बट मिल नहीं रहा है मेरे को, बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत खाने का मन हो रहा था और मैं सोच रही थी कि उसका चीला वगैरह कुछ बनाऊंगी आज नहीं तो कल। इसी वजह से मैं 2 दिन से सोच रही थी बट आलस आ रहा था, तो मैं इस टाइम पे थोड़ा फ्री थी, स्पॉच भी आ चुका है, तो मैं इसी वजह से ढूंढने के लिए बैठ गई हूँ।
देन ये वाला जो डब्बा वगैरह है जो निकाल रही हूँ इसमें भी मैं रखती हूँ सामान, उसके ऊपर बिस्किट वगैरह रखती हूँ। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा किचन कितना मैशी रहता है, तो मेरा किचन बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो मेरे को जैसे सामान सेट करना होता है ना उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। और बर्तन मेरे पास बहुत ज़्यादा रहता है, तो अक्सर मेरा जो बर्तन है ना वो बास्केट में, आधा बास्केट में रहता है क्योंकि नीचे का सारा ही भरा हुआ है। यहाँ पे काले चने मैं निकाल दे रही हूँ, इतना सही बचा है तो उसको मैंने पानी डाल के सोक करने को रख दी हूँ। पीडियाश्योर डब्बे में डाल दी हूँ। देन दाल मैं निकाल दे रही हूँ छोटे वाले पतीले में, क्योंकि दाल बनाने के बाद मैं बहुत ही कम ऐसा होता है ना कि फ्राई करती हूँ, डेली का है तो फ्राई नहीं करती हूँ। अगर कुछ स्पेशल है, राइस वगैरह जीरा राइस बनाई तो फ्राई कर देती हूँ। ये स्टेनर और ये जो छन्नी थी ना इसको मैं नीचे रख दे रही हूँ, साइड में रखती हूँ जहाँ पे मैं रखती हूँ। फाइबर वाले जो भी रहते हैं ना, प्लेट्स वगैरह, प्लेट्स कटोरी, ये सब वहीं पर मैं सब कुछ उधर रखती हूँ। तो सबका सामान सेट है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है किचन में। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, पोहा देख रही थी, इसमें भी नहीं है। इस डब्बे में भी ना मेरे को मूंग दाल नहीं मिला, तो छिलके वाली मूंग दाल मुझे बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये वाला जो डब्बा है इसमें भी मैं निकाली थी, इसमें बिस्किट्स वगैरह है, नमकीन है, तो मैं इसको चेक कर रही हूँ क्योंकि मैं विशाल से जो लेके आई थी ना वही सारे हैं। मुझे चीनी है उसको भी मुझे डब्बे में डालना है, वही मैं चेक कर रही हूँ कि चीनी कितना है डब्बे में, क्या खाली है क्या नहीं है। तो ऑलमोस्ट जब डब्बा निकालो ना उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। ये नमकीन का पैकेट था तो मैं इसको डब्बे में डाल दे रही हूँ क्योंकि डब्बा खाली था। तो ऐसा हो जाता है ना कि डब्बे में डाल दो तो सामने सामने दिखता है, फिर हमें खाने में ज़्यादा मतलब आलस सा नहीं आता है, और आराम से निकाल के मैं भी निकाल के दे दूँगी, ये भी निकाल के खुद से भी खा लेंगे अगर सामने सामने दिखेगा तो। देन ये जो शुगर है चीनी उसको मैं डाल दे रही हूँ डब्बे में। मैं सोची पहले वॉश कर देती हूँ फिर, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तब मैं वॉश करूँ। इस तरीके से मैं पॉलीथीन को कट कर लेती हूँ, फिर ऊपर से खोलने में ना बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो मैं ऐसे ही कट करके और मैं नीचे से ही डाल देती हूँ डब्बे में। इस तरह की अच्छे से निकल जाता है, ऊपर से पता है बहुत ही हार्डली वो लोग ना बांधते होते हैं तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। बाकी जो ये सब नमकीन वगैरह जो बचे हैं इसको मैं इसी डब्बे में डाल दी, और वो बिस्किट जो था उसको नीचे वाले में रख दी। ये एक डब्बे में खाली था, ये मटरी है, नमकीन मटरी है, तो मैं इसको ले जा रही हूँ। स्पॉर्च यहाँ पे है बैग में से कुछ ना, वो एक्चुअली ना बुक फाड़ने के चक्कर में लगा, तो मैं उसको डांटी तो फिर वो ले जाके उसमें रख रहा था। और एक बहुत ही बड़ा स्पॉर्च ने काम किया है जो मैं बहुत ही परेशान हो गई। यहाँ पे मैं जो मैं दिखाई थी ना सरसों, वो मैं रखी थी वॉशिंग मशीन के ऊपर, मैं रखी थी वॉशिंग मशीन के ऊपर रखी थी। इसने क्या किया, मैं अभी शाम का टाइम है यार, 3-4 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, मैं किचन में बर्तन धो रही थी, ये आके आराम से इधर, और मैं बोली जाके स्लीपर डालो, स्लीपर डालने आया और इसने ना पूरा सरसों गिरा दिया। आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे सरसों गिरे हुए हैं। चलो ये तो उठ जाएगा, बट उसने ना वॉशिंग मशीन के अंदर, वॉशिंग मशीन पर रखी थी उस पर बिखेर दिया था, हाथ से ना आके खेलने लगा था वो, उसको ये सब चीज़ें से खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। इसके अंदर ना वो चला गया, और काफ़ी मुझे डर इसलिए लग रहा है कि ये ना सरसों क्या होता है ना फंस जाएगा, कहीं फूल जाएगा, फिर वॉशिंग मशीन ना ऐसे होता है ना कि नहीं चल पाएगा, ख़राब सा ना हो जाए, मुझे इसी बात का डर है। यहाँ भी साइड साइड में है तो उसको निकाल रही हूँ, जितना हो सके निकालने की कोशिश कर रही हूँ, बट पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। ये जो भी है इसको मैं उठा ले रही हूँ, और फिर उसके बाद मशीन का मैं देखती हूँ मशीन का क्या करना है, क्योंकि वो फंसा हुआ है ना बहुत ही मुश्किल होगा मुझे, हो सकता है ख़राब भी हो जाए। तो देखिए क्या होता है मशीन का, साइड साइड में है मशीन में ना बिना कपड़ा डाले हुए चला दे रही हूँ, क्योंकि जब पानी ऐसे वो ले लेगा गिराएगा तो हो सकता है कि जितना कुछ निकलने वाला होगा ना वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं पानी भी रखी हूँ, ये उठा के लेके जा रही हूँ बाहर, और उसके बाद मैं आंगन भी वॉश करूँगी। शाम का टाइम है, नाश्ता बनाने आ गई हूँ किचन में, एंड मैं बना रही हूँ पोहा, और जो काले चने भिगो दी थी ना वो भी सोक अच्छे से हो चुका है। यहाँ मैं बनाई हूँ सब्जी, करेले की सब्जी बनी है, ये देखिए कट करके मैं डाल दी हूँ ऑयल में, बन रही है। मैं हल्दी नमक इसमें ऐड करूँगी, लहसुन मैंने इसमें खड़ा डाला है, और ये रेसिपी बहुत बार आप लोगों को शेयर करी हूँ करेले की सब्जी की रेसिपी, सो मैं इस बार नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे दिखा दे रही हूँ आप लोग, मतलब मैं इस टाइम इवनिंग में बना के आ रही हूँ सब्जी। देन मैं ऐड कर दी हूँ नमक, और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, लास्ट में मैं आमचूर पाउडर इसमें ऐड करूँगी, और मुझे इसमें थोड़ा सा अजवाइन जो होता है ना खड़ा, साबुत अजवाइन जिसको बोलते हैं, खड़ा या फिर साबुत, उसको मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, बाकी इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा इसमें डालते हैं तब भी ये क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा ना बोलते हैं ना गीला गीला सा सब्जी हो जाता है।
देन ये देखिए पोहा जो है फ्राई हो चुका है लगभग थोड़ा देर, बस 1 मिनट और मैं इसको चलाऊंगी, उसके बाद मैं निकालूंगी। ऐसे चेक कर ली हूँ निकाल के कि, या तो आप खा के चेक कर सकते हैं या फिर हाथ से भी करेंगे तो पता चलेगा। ऐसे खा के चेक करोगे ना तो फिर ज़्यादा सही रहता है। इसको मैं निकाल ले रही हूँ। देन मैं देखिए कितना थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ इसमें कढ़ाई में, और मैं इसमें चने को भून लूँगी, क्योंकि आप ना चना बॉयल भी कर सकते हैं बट ऐसे मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। तो एक मतलब 2-3 बूंद ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालती हूँ चने, और उसके बाद मैं इसको भून लूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा सा क्योंकि मैंने पोहे में भी नमक डाला है, और ये नाश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी होता है। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, और उसके बाद प्याज भी मैंने ना एक कट कर लिया है, एक से ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये नाश्ता आप लोग ने ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। प्याज डाल दी हूँ, भून ले रही हूँ, निकाल लूँगी थोड़े टाइम बाद। हे गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के हो गए हैं, 7 बजने वाले हैं। मेरा शाम का जो नाश्ता है वो बन गया है। पता नहीं क्यों बीडू ब्लर सा आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या वजह है। और देखिए मैं किचन से निकल के आई हूँ, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सब्जी मेरी बन रही है करेले की, आज मेरे को बनाने में लेट हो गया, और आज मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ। नो स्पर्श, आज मैं बाहर भी नहीं जा रही हूँ, वॉक करने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ना खाना, अभी मेरी सब्जी जो है बन रही है और चने भी भून ली हूँ, निकाल दी हूँ, बस अब हम लोग खाएंगे। इनसे मैं पूछ लूंगी कि अगर पहले आ जाते हैं तो फिर साथ में ही खाएंगे, और लेट आएंगे तो फिर हम मैं और स्पर्श खा लेंगे। सब्जी बन गई है, रोटी बस बनानी है। रात के डिनर के लिए ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई मैं आज, बिकॉज फोन आ गया था, मैं फोन पे बात करती रह गई, टाइम ही नहीं मिला मेरे को आज। और मशीन का मैं बता देती हूँ, मशीन में स्पर्श ने जो सरसों डाला था उसका क्या हुआ, उसको मैंने एक बार अच्छे से निकाला पहले, उसके बाद मैंने उसको एक बार बस प्लेन पानी से मैंने मशीन को चलाया, पर थोड़ा बहुत निकल गया था। उसके बाद भी उसमें ना, जैसे उसमें होल होल छोटे छोटे साइड में रहते हैं ना, जहाँ पे स्टील की कोटिंग बनी हुई होती है, उसमें छोटा छोटा सरसों घुस गया उसमें। और फिर उसके बाद वो, उसके बाद फिर मैंने एक राउंड प्लेन पानी से चलाया, उसके बाद मैं थोड़े से कपड़े डाल के, 4-5 कपड़े डाल के चलाई हूँ, फिर भी मुझे ना एक आध उसमें दिख ही रहा है। पता नहीं मेरे को बस इस बात का डर है कि वो सरसों फूल के बड़े बड़े ना हो जाए और फंस ना जाए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं मतलब ऐसे आज किया ना स्पर्श ने, मैं थी किचन में, बर्तन साफ कर रही हूँ, ये धीरे से मैं इसको बोली ना कि आप स्लीपर पहन लो, स्लीपर पहनने उधर आंगन में गया और वो उसने काम किया। अभी मैं अभी भी बस लेके आई हूँ सरसों को मैं अंदर, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार, गर्मी कम होने का नाम नहीं ली। मैं वीडियोस डाली थी उसमें मैंने बताया था कि बहुत गर्मी है, सब लोग बोल रहे थे कि मुंबई में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। हाँ मुंबई में तो हमेशा बारिश होती है, मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ भी बारिश हो रही है, वहाँ भी बारिश हो रही है। स्पेशली मुंबई से मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि वहाँ बारिश हो रही है और यहाँ तो बहुत गर्मी। चलिए मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद, मैं भी पोहा खा लेती हूँ, पहले इनको कॉल कर लूँ कब आएंगे, उसके बाद मैं पोहा खाऊंगी इस पोर्शन में। यहाँ आटा मुझे रखना था तो आटा ख़त्म हो गया था, बस एक छोटी सी कटोरी में ना इतना ही आटा बचा था तो उसको मैं निकाल ली हूँ, क्योंकि अभी मैं जो आटा गूंदूंगी उसमें डाल लूँगी, फिर फ्रेश में आटा मैं डब्बे में डालूँगी। ये मैंने इस बार लिया है शक्ति वोक का आटा, तो इस बार मैंने इनको यही बोला था लेने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं पतंजलि का ली थी तो कुछ नया नया ट्राई करने का मन करता है। उसके पहले जो आटा था ना वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो लास्ट टाइम पतंजलि वाला भी अच्छा निकला, और ये वाला, फिर ये वाला तो मैं बहुत बार पहले तो यही मैं यूज़ करती थी, और उसके बाद मैं इसे निकाल के रखी थी ड्राई होने के लिए। और स्पर्श अभी गया है छत पे, ये लेके गया है साइकिल चलाने के लिए, मैंने स्पर्श साइकिल चलाएगा ये नहीं चलाएंगे, तो दोनों लोग गए हैं छत पे। अभी टाइम हो गए हैं 8 बज गए हैं, आज ही थोड़ा सा पहले आ गए थे, बट आज मैं बाहर नहीं गई थी, मेरे बाल बिल्कुल खराब हो गए, मैं इधर से इधर ठीक कर रही हूँ, इधर से इधर ठीक कर रही हूँ। तो आज लेके आए थे ये पकौड़े, तो दिखाई थी मैं, हम लोग थोड़ा सा खाए हैं। आलू का पकौड़े जो लेके आए थे उसका जो आलू था ना वो बिल्कुल अजीब हो गया ना मेरे लिए, पकौड़े जो थे ना उसके जो आलू थे ना वो थोड़े से कच्चे कच्चे से थे, तो मैंने भी अच्छे से नहीं खाया और टेस्ट ही नहीं थे, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था पकौड़े में। मैं इनसे बोली हूँ सच तो मैं घर में बना दी होती, लेकिन वही इतनी गर्मी है ना, कुछ भी बनाने का मन, स्पेशल कुछ भी आजकल मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, कुछ नहीं बना रही। पहले बहुत चीजें बनाती थी मैं, जैसे शाम के नाश्ते में बहुत सारी चीजें, ये दोपहर के मतलब नाइट डिनर में भी बहुत सारी चीजें, बट गर्मी की वजह से कुछ भी मन नहीं होता है बनाने का।
और भाई मैंने सब्जी निकाल के अलग बाउल में कर दूंगी, कढ़ाई को रख दूंगी धोने के, क्योंकि थोड़ा सा पानी डाल दो फूला रहता है तो जल्दी से वो वॉश हो जाता है और छूट भी जाता है अच्छे से, क्लीन भी होता है, नहीं तो ना पकड़े रगड़ते रहो काफी टाइम लग जाता है उसमें। और फिर छोटा वाला जो कढ़ाई है जिसमें मैंने पोहा फ्राई किया था वो भी जूठा ही है, उसको भी धोना है, तो बर्तन मेरे को ना इस टाइम फिर से बहुत सारे निकल जाएंगे। और आटा गूनूंगी, रोटी बनाऊंगी, थोड़ा सा राइस है दोपहर का, तो राइस तो ये खा लेते हैं क्योंकि दोपहर का ही राइस मैं एक्स्ट्रा बना देती हूँ, एक कटोरी बनाती हूँ जिसमें एक कटोरी बच जाता है, मीन्स बनाती हूँ एक कटोरी और बनने के बाद एक कटोरी बचता है इनके लिए, तो ये खाते हैं और स्पर्श इनके में से थोड़ा सा खाता है, क्योंकि स्पर्श रात का खाना जो है स्पर्श इनके में ही खाता है, मेरे साथ नहीं खाता है, तो बोलती हूँ एक टाइम आप खिलाओ, दो टाइम तो आप रहते नहीं हो तो मैं ही खिलाती हूँ, तो एक टाइम आप खिलाओ, तो बस यही है। और 20 मिनट बाद, 15 या 20 मिनट लगेगा स्पॉन्ज को ऊपर से आने में, क्योंकि ये थोड़ा बहुत चला ले और ऊपर हवा भी लग रही है, नीचे तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। और ये मंगलसूत्र कैसा लग रहा है आप लोग बताना। और ये मंगलसूत्र मैं लास्ट ईयर ली थी, मैं ली थी भोपाल से, जब नवरात्रि चल रही थी ना, नवरात्रि में भोपाल से मिली थी, काली बड़ी मंदिर है ना वहां से मैंने लिया था, जब हम घूमने गए थे नवरात्रि में उस टाइम पे लिया था, और सेम ली थी इसमें का साधना बिल्कुल सेम। और हमारा ये है ना कि मतलब एकदम सेम यही डिजाइन, और इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा था, बट उसने भी यही वाला कलर लिया था। और ऐसा है ना कि हम देवरानी जेठानी जब भी हम कोई साथ में चीजें लेते हैं तो हम सोचते हैं ना कि हम एक जैसा ही ले, एक कलर ही ले, कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि एक जैसा ले, अच्छा लगता है ना देवरानी जेठानी एक जैसे डाले तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने साधना से शादी में भी ऐसा प्लान किए थे कि हम सेम सेम डाले थे, बट नहीं हो पाया हमारे से, और मतलब हो नहीं पाया, वो वहां से शॉपिंग करी मैंने, देवरिया से जाके शॉपिंग किया, वो भोपाल से की, तो ऐसा हो गया ना, तो बिल्कुल भी मतलब साथ साथ नहीं हो पाया था। और उसका भी बिल्कुल सेम है, बट उसने शायद यूज कर लिया है और मेरा ऐसे ही ऐसे रखा हुआ, क्योंकि मैं बहुत कम डालती हूँ गर्मी में, तो ऐसा होता है कि इचिंग होने लगती है। मुझ पर आ जाएगा ऊपर से थोड़ी देर बाद, और तब तक मैं आटा गूंद के रोटी भी बना लूंगी, उसके बाद मैं वॉश करूंगी बर्तन, थोड़ा सा जो भी नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन होती है मेरी वो सब थोड़ा बहुत कर लूंगी, और सोफा वगैरह बेड वगैरह कुछ भी मुझे ठीक नहीं करना है। बेड को मैंने अभी मतलब ऐसे ना कपड़े से इसके जो गंदे थे वो मैं हटा दी हूँ, और कुछ भी ठीक नहीं करना, डब्बा वॉश कर दी थी, सूख रहा है, सूख गया है, ऑलमोस्ट सूख गया है, कल मैं उसमें सामान डाल दूंगी। और चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं इन कर देती हूँ, कि इसके बाद क्या दिखाऊंगी, रोटी सब्जी जो भी यही है ना, इसके बाद तो फिर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं और मेरे हस्बैंड जी हम दोनों बातें करते हैं, और अच्छा लगता है जब हम मतलब एक यही तो टाइम होता है ना थोड़ा सा कि मिल जाता है, इसलिए मैं फटाफट शाम को ही जल्दी सब्जी बना लेती हूँ, कि थोड़ा सा जो मुझे टाइम मिलता है ना थोड़ा हम एक दूसरे के साथ बातें करें, क्योंकि सुबह ऑलमोस्ट चले जाते हैं, शाम तक आते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं, ऑफिस में तो ना फोन है, फोन भी नहीं कर पाते हैं, तो ठीक नहीं लगता। चलिए ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, कल मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। और हाँ, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आते हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।